अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन क्लीन, क्लियर और ब्राइट हो, तो आप अपनी स्किन की प्रॉपर क्लींसिंग करें। क्लींसिंग तो आप कहेंगे कि हम डेली करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन से ब्लैक हेयर, वाइट हेयर ना हो और आपकी स्किन साफ शफाफ चमकती दमकती रहे, तो आपको 10-15 दिनों के बाद अपनी स्किन पर डीप क्लींसिंग फेशियल करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फेशियल करवाना, तो इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल चीज़ों से डीप क्लींसिंग फेशियल करना बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल को भी हिट करना है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो फॉर ऑल स्किन टाइप, ऐसे सभी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहले हम अपनी स्किन की प्रॉपर क्लींसिंग करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। तो मैं 2 टीस्पून बेसन लूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन ऐड करूँगी, तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन की क्लींसिंग करेगा। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ योगर्ट ऐड करने वाली हूँ 2 टीस्पून, और इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा क्लींजर रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लें और 2 से 3 मिनट तक इसके साथ अपनी स्किन की क्लींजिंग करें। ये क्लींजर बहुत अच्छे से आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। इसे आप डेली फेस वॉश की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्लींजर आपकी स्किन से डर्ट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा और आपको क्लीन क्लियर स्किन प्रोवाइड करेगा। 2 से 3 मिनट आपने इसके साथ क्लींजिंग करनी है हल्के हल्के हाथों से, और फिर नॉर्मल वाटर से आपने इसे वॉश कर लेना है। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। मैं यहाँ नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी मौजूद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी लूँगी। अब मैं इसमें 1 पिंच टर्मरिक की ऐड कर लूँगी। फिर आपने 1/2 लेमन इसमें ऐड करना है, और फिर हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। इस तरह की आपने शुगर ऐड करनी है, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ही हनी की ऐड कर लूँगी। ये हनी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा स्क्रब रेडी है। अब आप इसे अपनी क्लीन स्किन पर अप्लाई करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने हल्के हल्के हाथों से अपनी स्किन की स्क्रबिंग करनी है। कॉफ़ी इंस्टेंट ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट है। इसमें जो हमने लेमन और हनी ऐड किया है, वो हमारी स्किन से टैनिंग, डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। ये स्क्रबिंग आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड को भी अच्छे से रिड्यूस करेगी। इससे आपकी तमाम डेड स्किन अच्छे से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद ब्लैक हेड, वाइट हेड निकलने के कम चांसेस होंगे। अब आपने 2 से 3 मिनट तक स्क्रबिंग करने के बाद इसे वॉश कर लेना है। थर्ड स्टेप में आपने स्टीमिंग लेनी है। स्टीमिंग डीप क्लींजिंग फेशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हमारे जो पोर्स होते हैं, इसमें सारी गंदगी छुपी हुई होती है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड, वाइट हेड बनने के चांसेस होते हैं। तो स्टीमिंग लेने से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से स्किन की क्लींजिंग हो जाती है। आप एक बाउल में गर्म पानी लेंगे और इसमें टी ट्री ऑयल के 2 ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो लेमन ऑयल के 2 ड्रॉप्स ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है। अगर आप सादा पानी से लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट के लिए नहीं, 5 से 10 मिनट के लिए स्टीमिंग लेनी है, इतना ही काफ़ी है। तो ये स्टेप आपको करने के बाद फेस पैक यूज़ करना है। तो चूँकि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको कोई हाइड्रेटिंग पैक ही यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा ही ईजी सा पैक बनाना बताती हूँ। इस पैक को बनाने के लिए मैं लूँगी 2 टीस्पून आलमंड पाउडर। आपने आलमंड को सिंपली आलमंड लेने हैं, उनको क्रश करके पाउडर बना लेना है और 2 टीस्पून आपने ले लेना है, और इसमें 2 टीस्पून ही आपने योगर्ट ऐड कर लेना है डेड सीड। तो ये सिंपल सा ग्लोइंग पैक हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप स्टीमिंग लेने के बाद ये पैक अप्लाई करेंगे। योगर्ट में लैक्टिक एसिड और विटामिन सी मौजूद होता है, जो आपकी स्किन कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। आलमंड आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। ये पैक बहुत ही हाइड्रेटिंग है। इसे आप 15 या 20 मिनट अप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। जब इसे पैक को आप वीक में 3 टाइम यूज़ करेंगे, तो आपको हैरान कुन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। ये आपकी स्किन को चमकदार और बेदाग बनाएगा।
तो इस तरह आप होम में डीप क्लिनजिंग फेशियल कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल और इफेक्टिव फेशियल है, स्पेशली फॉर विंटर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना दूसरा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।